पार्ट फोर करते हैं दोस्तों, टाइम एंड वर्क का। इफ थ्री मैन और सिक्स वुमेन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज, इन हाउ मैनी डेज कैन 12 मैन एंड 8 वुमेन डू द सेम पीस ऑफ वर्क। यदि तीन पुरुष और छह महिलाएं एक काम को 16 दिनों में कर सकते हैं तो 12 पुरुष और 18 महिलाएं उस काम को कितने दिनों में। देखो दोस्तों, जिसने पार्ट थ्री देखा है तो पार्ट फोर भी इजिली कर सकता है, उसी तरह है। बस इसमें थोड़ा सा ही फर्क है कि M1 D1 इक्वल टू M2 और D2, इसी के ऊपर बेस जो है आपके सारे क्वेश्चन है, सारे के सारे इसी फॉर्मूले से हो जाएंगे। आपने क्या ध्यान रखना है, एक दो चीजों का, जैसे एंड या और, हिंदी में इसको हम प्लस करेंगे, और या इसको हम इक्वल टू लगाएंगे। देखो दोस्तों, इनका क्या यूज है, तीन पुरुष या छह महिलाएं, यानी कि कोई भी काम करना, या तो तीन पुरुष कर सकते हैं उस काम को। मान लेते हैं कि एक किसी को 18 कुर्सी बनानी है, यानी कि तीन पुरुष बना सकते हैं और छह महिलाएं, अगर तीन पुरुषों को लगा देंगे वो भी बना देंगे, और छह महिलाएं उसी काम को 16 दिनों में दोनों को समाप्त कर सकते हैं। अब देखो, यानी कि या है यहाँ पे, इसका मतलब क्या करेंगे हम, 3 male = 6 female, एक काम को कितने दिन में करते हैं, 16 दिन में। यानी कि ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है, ये वाली यहां से यहां तक, ये वाली अपने बनेगी M1 ब्रैकेट इनटू में D1, D1 की वैल्यू कितनी है 16, इक्वल टू दूसरा पार्ट क्या है, 12 पुरुष और 8 महिलाएं, 12 मैन एंड 8 वुमेन, एंड यानी कि प्लस या और या फिर तथा, एक ही बात है। तो 12 मैन प्लस में 8 फीमेल, इस काम को कितने, यानी कि पूरी की पूरी जो ये वैल्यू है ये बनेगी हम M2, और D2 की वैल्यू आपने निकालनी है उस काम को कितने दिनों में करेंगे। अब देखो, यहां से हमारे पास जो हमारा पार्ट थ्री था उसमें तो क्या था, अगर यहां पर मैन दिए हैं तो आगे भी मैन दिए हैं, यहां फीमेल दिए तो आगे फीमेल दिए, यहां बच्चे हैं तो आगे बच्चे। अब देखो, यहां पर अलग अलग चीज दे रखी है, यहां पर प्लस है, यहां इक्वल है, इसको हम कैसे देखो सिंप्लीफाई करेंगे। हम देखो एक सिंपल सा, इसमें जो है जो भी इक्वल टू में दे रखा होगा उससे हम जो है यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि 3 male = 6 female, तो यहाँ से m, ये f को हम डिवाइड में कर लेते हैं, तो 6/3, 3 × 6 = 2, यानी कि m की जो वैल्यू है वो क्या बनेगी 2, और f की वैल्यू यानी कि m/f क्या बनेगा 2/1, यानी कि m की वैल्यू 2 और f की वैल्यू क्या बनेगी 1, यानी कि जहाँ जहाँ m है वहाँ वहाँ 2 लिख देंगे, जहाँ जहाँ f है वहाँ हम 1 कर देंगे। अब देखो, इन दोनों चीजों में से आपने एक को ही लेना है, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल हैं, दोनों को तो लेना नहीं है, दोनों को कब लेना, किस कंडीशन में लेना, जब प्लस का निशान हो, ऐड किया हुआ। अब देखो, इनमें से कोई भी हमें ले सकते हैं, मान लेते हैं 3m की वैल्यू ले लेते हैं, 3m इनटू में डेज यानी कि 16 इक्वल टू, अब यहां पे आपने दोनों लेना, ऐसा नहीं कि 12 मैन मैन लेना, या यहाँ पे तो इसलिए छोड़ा है ये फीमेल क्योंकि ये इक्वल टू में है और यहां पर प्लस है, तो यहां पर लेना आपने, यानी कि 12 मैन प्लस में 8 फीमेल इनटू में D2। अब देखो, यहां से हमने सोल्व कर लिया कि m की वैल्यू क्या है 2 और f की वैल्यू क्या है 1, तो इसको हम पुट कर देते हैं, 3m की वैल्यू 2 प्लस इनटू में 16 इक्वल टू 12 इंटू में 2 प्लस में 8 इंटू में 1 इंटू में D2, ठीक है। अब इसको सोल्व नहीं करना आपने, ऐसे ही मल्टीप्लाई में रखो, 3 × 2 × 16 इक्वल टू, देखो 12 × 2 = 24 और 8, 24 + 8 कितने हो गए दोस्तों 32, 32 इंटू में D2, 16 से काट देंगे, 16 × 2 = 32, 2 से 2 कट गया, D2 की वैल्यू हमारी क्या आ गई 3, यानी कि आंसर हमारा कितना आएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि इफ 10 मैन और 20 बॉयज कैन मेक 260 मैट्स इन 20 डेज, देन हाउ मैनी मैट्स विल बी मेड बाय 8 मैन एंड 4 बॉयज इन 20 डेज। यदि 10 पुरुष या 20 लड़के 20 दिनों में 260 चटाइयां बना सकते हैं, तो 8 पुरुष तथा 4 लड़के 20 दिनों में कितनी चटाइयां बनाएंगे। अब देखो, आपको बताया था कि M1 D1 = M2 D2, ये बताया था, यानी कि अगर जब काम दे रखा हो तो डिवाइड में क्या करना है, जैसे हमने पार्ट थ्री में पढ़ा है, जिसने भी पार्ट थ्री नहीं देखा एक बार 5 मिनट की वीडियो एक बार उसको देख लीजिए, डिवाइड बाय क्या आएगा W2। अब देखो,
और का मतलब आपको बताया है, और का मतलब क्या होगा यहां पे इक्वल टू, और का मतलब क्या होगा इक्वल टू, और एंड का मतलब क्या होगा प्लस, या हम इसको हिंदी में कह सकते हैं और इसको या। ठीक है, अब देखो 10 पुरुष या 20 लड़के, या लिखा हुआ यानी कि 10 मैन इक्वल टू 12 बॉयज, 20 दिनों में यानी कि इनटू में क्या होगा 20 डेज, यानी कि M1 की वैल्यू है, देखो ये पूरी बन जाएगी आपकी M1 की वैल्यू, ठीक, इनटू में D1 की वैल्यू है बनेगी, डिवाइड बाय W1, W1 की वैल्यू क्या है 260, डिवाइड बाय 260 इक्वल टू 8 पुरुष तथा 4 लड़के, यानी कि तथा आ गया, यानी कि क्या लगाना है यहाँ पे आपने प्लस, यानी कि 8 मैन प्लस में 4 बॉयज, 20 दिनों में कितने चटाई, यानी कि इनटू में क्या होगा 20 डिवाइड बाय W2 आपने निकालना है। ठीक है, अब देखो, अब हमें यहां पे मैन और बॉयज हैं, यहां पे प्लस है, यहां पे इक्वल टू है, हमने इनको इक्वल करना कैसे, कि जो है 10 मैन इक्वल टू 20 बॉयज दिया हुआ है आपका, यहां से 0 से 0 m by b यानी कि 2/1, यानी कि m की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू क्या है 1, जहां पर m की m है वहां पे 2 लिख देंगे और जहां पे b है वहां पे 1 लिख देंगे, और इन दोनों में से आपने एक ही लेना है, यानी कि हम ले लेते हैं 10 मैन को, यानी कि 10 मैन इनटू में 20 डिवाइड बाय 260 इक्वल टू 8 मैन प्लस में 4 बॉयज इनटू में 20 डिवाइड बाय W2। अब देखो m की जगह आपने क्या लिखना है 2, यानी कि m की जगह हम लिख देंगे 2, यानी कि 8 गुणा में 2, बॉयज की जगह क्या लिखता है 1, इनटू में क्या जाएगा 1। अब देखो ये 8 दूनी 16 और 4 एकम 4, अब देखो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है 2, 10 गुणा में 2। ठीक है, अब देखो यहां से हम सोल्व करेंगे आगे, 10 गुणा में 2 यानी कि 20 गुणा में ये 20 बटे में 260 इक्वल टू 8 दूनी 16 और 4 20, 20 गुणा में 20 बटे में W2, 20 से 20, 20 से 20, W2 की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों 260। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 5 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज व्हाइल 10 वुमेन कैन डू इन 5 डेज, इन हाउ मेनी डेज कैन 5 वुमेन एंड 3 मैन डू इट, 5 पुरुष एक काम को 6 दिनों में कर सकते हैं जबकि 10 महिलाएं उसी काम को 5 दिनों में कर सकती हैं, इसका मतलब क्या दोस्तों, कि 5 पुरुष और 6 दिनों में करते हैं और 10 महिलाएं सेम काम 5 दिनों में करते हैं, यानी कि दोनों चीजें क्या आपस में इक्वल है, यानी कि 5 मेल इनटू में 6 यानी कि इक्वल टू 10 फीमेल इनटू में 5, ये दोनों ही क्या करते हैं सेम काम करते हैं, 6 दिन में और ये 5 दिन में। ठीक है, इक्वल टू आएगा 5 महिलाएं और 3 पुरुष, यानी कि और आ गया, यानी कि क्या लगेगा प्लस 5 फीमेल प्लस में 3 मेल इस काम को कितने दिनों में करेंगे। अब देखो D1 सोच रहे हो कि D1 की वैल्यू क्या, ये दोनों एक तरह से D1 है, ये भी D1 है और ये भी क्या है D1 है। अब देखो लेकिन हमने क्या करना है, वही सेम मेथड हमारा कि जो है M और F की वैल्यू निकालेंगे, हम यहाँ से निकाल लेते हैं कि 5 मैन इंटू में 6 इक्वल टू 10 फीमेल इंटू में 5, तो यहाँ से 5 से 5 कैंसिल, 2 तीय 6, 2 पंजे 10, यहाँ से बनेगा 3 मेल इक्वल टू 5 फीमेल, या M बाई एफ हमारा क्या बनेगा 5/3, यानी कि M की वैल्यू 5 पुट करनी है और F की वैल्यू क्या पुट करनी है दोस्तों 3, जहाँ अब इन दोनों में से आपने किसी एक को लेना है, किसी भी एक को लेना है, या इसको लो या इसको लो, आंसर हमारा सेम ही रहेगा। इसको हम ले लेते हैं 5 मैन इनटू में 6 इक्वल टू, इसको हमने छोड़ दिया, इसको ले लेते हैं 5 फीमेल प्लस में 3 मेल इनटू में D2। अब देखो जहां पर m की m है वहां पर 5 और जहां पे f है वहां पर 3, अब देखो m की वैल्यू हम पुट करते हैं यहां पे, तो यहां पर क्या होगा इनटू में 5, यहां पर क्या हो जाएगा 2
और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी एफ की वैल्यू 3 है, 3 और यहाँ पर एफ, यानी कि 5 गुना 5 25 गुना में 6 इक्वल टू ये कितना बनेगा, 5 दिए 15 और 5 दिए ये भी 15 और ये भी 15, 15 और 15 कितना बनेगा दोस्तों 30, 30 इंटू में जी 2 ये बनेगा 6 पंद 30, 5 6 कटेगा 5 पंद 25, यानी कि डी 2 की वैल्यू हमारी क्या आ गई 5, यानी कि उस काम को वो 5 दिनों में पूरा कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वन मैन एंड वन वुमेन टुगेदर कैन कंप्लीट वर्क इन 8 डेज, ए मैन अलोन कैन इन 10 डेज, वन वुमेन अलोन इन कितने, यानी कि वन वुमेन हाउ मैन इन डेज। एक पुरुष तथा एक महिला मिलकर किसी काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, एक पुरुष काम को अकेले 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो एक महिला अकेले काम को कितने दिनों में समाप्त करेगी। देखो यानी कि वन वुमैन, वन मैन एंड वन वुमैन, एक पुरुष तथा, यानी कि इसका मतलब क्या है, तथा का मतलब क्या है, प्लस है और या तथा, यानी कि वन मैन प्लस में वन फीमेल कितने दिनों में करते हैं 8 दिनों में, यानी कि ब्रैकेट लगाएंगे हम इनटू में क्या होगा 8। एक पुरुष काम को अकेले 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, और यानी कि काम क्या है सेम है, सेम काम है तो हम क्या करेंगे इक्वल टू में रखेंगे, इक्वल टू वन मैन इनटू में 10 डेज। ठीक, और क्या दिया हुआ है कि एक महिला बताना कि इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगी, तो हम क्या करेंगे इक्वल टू में इस सभी के क्या आएगी वन फीमेल इनटू में क्या होगा डी टू, यानी कि डी वन की वैल्यू एक तरह से क्या है, ये हमारा डी वन है, यानी कि ये वाला डी वन है और ये भी क्या है डी वन है। अब देखो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं सबसे पहले कि वन मेल प्लस वन फीमेल इनटू में 8 इक्वल टू वन मैन इनटू में 10, इसको अंदर ले जाते हैं 8 मैन प्लस में 8 फीमेल इक्वल टू 10 मैन 8 फीमेल इक्वल टू, इसको हम उधर ले जाते हैं तो माइनस का हो जाएगा ये, तो 10 में से 8 गया 2, 2 मैन 2 से काटेंगे 2 चौके 8, यानी कि एफ बाई एम ये 4 जो है नीचे चला जाएगा 1/4, एफ की वैल्यू 1 और एम की वैल्यू क्या है 4, 2 चौके 8 ही ऊपर ही है, तो एफ की वैल्यू 1 एम की वैल्यू 4। अब देखो जहां पर f है वहां पर हम 1 पुट कर देंगे, जहां पर m है वहां पर हम क्या पुट कर देंगे 4 पुट कर देंगे। अब देखो इन दोनों में से हम कोई भी एक चीज ले सकते हैं, इक्वल टू में है तो यानी कि 1 मैन इनटू में 10 इसको ले लेते हैं हम, ये जी रहेगा 1 फीमेल इनटू में डी टू, मैन की जगह क्या रख देंगे 4, 1 इनटू में 4 इनटू में 10 फीमेल की जगह 1 पुट करेंगे इनटू में डी टू, 10 चौके 40 इक्वल टू क्या आएगा डी टू, यानी कि डी टू की वैल्यू हमारी क्या आएगी 40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि दो पुरुष और 3 स्त्रियां मिलकर या 4 पुरुष किसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो उसी काम को 3 पुरुष तथा 3 स्त्रियां कितने दिनों में खत्म करेंगे। अब देखो यहां वर्ड लग गया तथा, यहां वर्ड है या, यानी कि दो पुरुष तथा 3 स्त्रियां मिलकर या 4 पुरुष, यानी कि या तो इनसे करवा लो काम या फिर इन 4 पुरुषों से करवा लो काम, सेम चीज है, तो यानी कि सेम है तो हम क्या करेंगे इक्वल में रख देंगे इनको, या का मतलब इक्वल होता है, यानी कि दो मेल तथा मतलब प्लस 3 फीमेल इक्वल टू 4 मेल। ठीक है, और ये सारे जो है 20 दिनों में कर सकते हैं, यानी कि इनटू में क्या आएगा 20 इक्वल टू उसी काम को 3 पुरुष और 3 स्त्रियां कितने दिनों में खत्म करेंगे, तथा वह है प्लस लग जाएगा, यानी कि 3 मेल प्लस में 3 फीमेल, यानी कि यहां पर आ जाएगा आपका टू की वैल्यू, वही सेम प्रोसेस, यहां से एम और एफ की वैल्यू निकालेंगे हम, 2m प्लस में 3f इक्वल टू 4m, यहाँ से 3f और 4m में से 2m गया 2m बच गया, और f बाई एम क्या बनेगा दोस्तों 2/3, f की वैल्यू 2 और m की वैल्यू 3,
अब देखो जहां पर f है वहां पर दो पुट कर देंगे, जहां पर m है वहां तीन पुट कर देंगे। हम इन दोनों में से एक ही चीज लेनी है तो हम ये ले लेते हैं, क्योंकि इजी है, इसमें सिर्फ एक ही वैल्यू पुट करनी है, यानी कि 4m इंटू में 20 इक्वल टू 3m प्लस 3f इंटू में d2। अब यहां पर m की वैल्यू पुट कर देते हैं 3 इंटू में 20, यहाँ पर m की वैल्यू 3 प्लस में 3, f की वैल्यू क्या दोस्तों 2, तो ये पुट कर देते हैं इंटू में d2। ये देखो 4 × 3 × 20 लिखेंगे इसको, ये 3 और 3 3 3 9 और 3 × 9 6 9 और 6 15 15 इंटू में d2। सोल्व करेंगे 3 से 5 3 5 15 5 चौके 20 चौक 16, यानी कि d2 की वैल्यू क्या आई 16, यानी कि ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि 10 पुरुष या 20 महिलाएं या 40 बच्चे किसी काम को 7 महीने में कर सकते हैं तो 5 पुरुष 5 महिलाएं तथा 5 बच्चे मिलकर काम को कितने समय में पूरा करेंगे। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, या लगा हुआ है, ये वर्ड दिया हुआ है आपका या, इसका मतलब क्या है इक्वल टू, यानी कि 10 मैन इक्वल टू 20 फीमेल इक्वल टू 40 चिल्ड्रन। इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं 7 महीने में, यानी कि इनटू में क्या आएगा 7 इक्वल टू, ये पूरा एक पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट क्या है, 5 पुरुष 5 महिलाएं था 5 बच्चे मिलकर, यानी कि सभी एक साथ, यानी कि तो इसमें क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 5 मेल 5 फीमेल तथा 5 चिल्ड्रन मिलकर इसको कितने, यानी कि d2 की वैल्यू निकाल देंगे। अब यहां से हम सोल्व कर लेते हैं, पहले तो हमारे पास 2 थे, इस क्वेश्चन में क्या है हमारे पास 3 है। देखिए कैसे सोल्व कर सकते हैं 3 को, 10 men = 20 female इक्वल टू 40 चिल्ड्रन। सबसे पहले तो 0 से 0 काट दो, आपके ऊपर बच गया 1 men 2 female इक्वल टू 4 चिल्ड्रन। अब देखो जो भी इनका एलसीएम होगा, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में आ जाए, अगर इस तरह से किसी दूसरे चैप्टर में भी आ जाए, तब हम एम एफ और सी की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, ऐसे इनका 1, 2 और 4 का एलसीएम, एलसीएम जो है 1, 2 और 4 का क्या है दोस्तों 4, और इस एलसीएम को हम ऊपर रख देंगे यहां पर, ठीक है। तो यहां पर इसको भाग करेंगे, 4 को 1 से भाग करेंगे तो m की वैल्यू क्या आएगी 4, इसको काटेंगे 4 को 2 से 2, इसको काटेंगे c की वैल्यू क्या आएगी 1, यानी m की वैल्यू 4, f की वैल्यू 2 और c की वैल्यू क्या आएगी 1। यहां पर हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, इसमें इनमें से तीनों में से हमने एक लेना है और ये तीनों की तीनों ऐड करने हमने, तो यहां पर हम इसको ले सकते हैं 10 men into में डे, ये d1 की वैल्यू, यहाँ पर 5 men + 5 female + 5 children इनटू में d2। अब देखो m की वैल्यू क्या है 4 है, तो यानी कि 10 × 4 × 7 इक्वल टू, यहाँ पर पुट करेंगे 5 × 4, f की वैल्यू क्या है 2, 5 × 2, c की वैल्यू क्या है 1 इनटू में d2। अब इसको रख देंगे 10 × 4 × 7 इक्वल टू 5 × 20, 5 × 2 = 10 और 5 × 1 = 5, 20 + 10 = 30 + 5 यानी कितना होगा 35, 35 × d2। कट कर देंगे 7 × 5 = 35, 5 × 2 = 10, 4 × 2 = 8 यानी कि d2 की वैल्यू आपकी क्या आ गई दोस्तों 8, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, उससे पहले हम एक शायर देख लेते हैं, किसी का मैसेज आया था कि सर आप ऐसे ब्लैक बोर्ड यूज़ करते हैं, तो मैंने कहा एक तो मैं गरीब ऊपर से इश्क कर बैठा, अपनी हैसियत से ज़्यादा ख्वाब देख बैठा,
अपनी हैसियत से ज़्यादा ख्वाब देख बैठा। सोचा तेरे प्यार में जिंदा हूँ मैं, सोचा तेरे प्यार में जिंदा हूँ मैं, मगर आंखें खुली तो अपनी कब्र पर ही बैठा हुआ था मैं। लेट्स दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन कि छः पुरुष और आठ लड़के एक काम को 10 दिनों में ख़त्म करते हैं और 26 पुरुष और 48 लड़के उसी काम को 2 दिनों में ख़त्म कर सकते हैं, 15 पुरुष और 20 लड़के उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। देखते हैं दोस्तों, अब यहाँ पर और लगा हुआ है, यहाँ पर और लगा हुआ है, यहाँ पर वह लगा हुआ है, इसका मतलब भी यही है और, ठीक है, यानी कि 6 पुरुष और 8 लड़के एक काम को ख़त्म करते हैं 10 दिन में और 26 पुरुष और 48 लड़के उसी काम को 2 दिनों में ख़त्म कर सकते हैं, यानी कि ये और ये चीज़ क्या है, सेम है, और ये पार्ट हमने निकालना है, यानी कि ये वाला पार्ट निकालना है, दूसरी तरफ चला जाएगा ये पार्ट, यानी कि 6 मेल प्लस में 8 बॉयज इनटू में क्या आएगा 10 इक्वल टू 26 पुरुष, यानी कि 26 मेल प्लस में 48 बॉयज इनटू में क्या जाएगा 2। ये हमारा एक पार्ट हो गया एक साइड का, इक्वल टू क्या आएगा 15 मेल प्लस में 20 बॉयज इनटू में D2। ये D2 की वैल्यू आपने निकालनी है। अब देखो दोस्तों, अब हम इस चीज़ से जो है, इस पार्ट से, यहाँ से M और B की वैल्यू निकाल लेंगे। सबसे पहले देखो कैसे निकलेगी इसकी वैल्यू, यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं, 6M प्लस में 8 बॉयज इनटू में 10 इक्वल टू 26 मेल प्लस में 48 बॉयज इनटू में 2। तो यहाँ से देखो, 2 से कट कर देंगे, 2 से जाएगा 5 पे, इसकी गुणा कर देंगे, 6 पंजे 30 मेल, 8 पंजे 40 बॉयज इक्वल टू 26 मेल प्लस में 48 बॉयज, सिंपल। अब इस m को हम इधर ले आते हैं, ये प्लस का इधर जाके माइनस का जाएगा, तो 30 में से 26 का कितना आएगा 4, ये इसको उधर ले, 48 में से 40 चला जाएगा कितना आएगा 8। यहाँ से m बाई बी ये कट कर देते हैं, 4 × 2 = 8 यानी कि 2/1, यानी कि m बाई बी की इसकी वैल्यू क्या आई, m की वैल्यू 2 और b की वैल्यू क्या आई 1। किसी भी एक में हम पुट कर देते हैं ये वैल्यू, इसमें हम सपोज पुट कर देते हैं ये वैल्यू, ठीक, यानी कि 26 m की वैल्यू क्या है 2 प्लस में 48 बॉयज़ की वैल्यू कितनी है 1, 48 इंटू में 1 और इंटू में क्या है 2 इक्वल टू 15, m की वैल्यू क्या है 2 और b की वैल्यू क्या है 1 इंटू में D2। यहाँ से हम सोल्व कर लेते हैं, 26 × 52 और 48, 48 और 52 कितना होगा दोस्तों 100 इंटू में 2 इक्वल टू 15 × 30 और ये 20, 30 और 20 50 इंटू में D2, 50 से काट देंगे, 50 × 100, D2 की वैल्यू क्या है दोस्तों 2 × 2 यानी कि 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों ये पार्ट ख़त्म होता है। अगला इसका एक लास्ट पार्ट बचा हुआ जिसको हम ठेकेदारी, उसमें कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चन आएंगे, कुछ क्वेश्चन की उनमें प्रैक्टिस करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, ठीक है दोस्तों, थैंक यू।